ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुर्नेटर टेरिस सिंड्रोम के विषय में। जैसे आपने थंबनेल में देखा कि पुर्नेटर टेरिस सिंड्रोम एंड कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत ही सिमिलर सिम्टम होता है, थोड़े से अनसिमिलर सिम्टम होते हैं जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि प्रोनेटेड टेरिस सिंड्रोम के कौन कौन से फिजिकल टेस्ट हैं जिससे कि हम ये पता कर पाए कि ये प्रोनेटेड टेरिस सिंड्रोम है या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम है। दूसरा, प्रोनेटेड टेरिस सिंड्रोम का कारण क्या है, किन में ये कॉमनली देखने को मिलता है और इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या हम फॉलोअप करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोनेटेड टेरिस सिंड्रोम होता क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि कार्पल टनल सिंड्रोम की तरह ही सिम्टम होता है। दोस्तों, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा मीडियन नर्व है वो हमारे सर्वाइकल स्पाइन से निकल करके और हमारे हाथ से होते हुए, जो ब्रेकियल प्लेक्सस होते हुए जब ये नीचे को आती है और मीडियन नर्व हमारे फोर आर्म से जब नीचे की तरफ निकल रही होती है, तो यदि ये फोर आर्म में कंप्रेस होती है तो प्रोनेटेड टेरिस सिंड्रोम बोलते हैं। और यही मीडियन नर्व जब आगे आ करके हमारे रिस्ट पे कंप्रेस होती है तो इसको हम लोग कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। बट नर्व हमारी जो है वो सेम नर्व है। कौन सी नर्व है? मीडियन नर्व है। तो दोस्तों, जब एक नर्व कंप्रेस हो रही है तो सिम्टम लगभग सेम आएंगे। तो ये जो कंप्रेशन का कारण क्या है, बट एक सिम्टम चेंज होता है, कुछ फिजिकल टेस्ट चेंज होते हैं जो आगे चल के अभी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि मैं फोर आर्म में मीडियन नर्व कंप्रेशन की बात करूं तो रीज़न तो कई हैं, लेकिन जो तीन मेन कारण देखने को मिलते हैं वो सबसे पहला जो कारण है वो हमारा प्रोनेटेड टेरिस मसल की वजह से होता है। क्योंकि जो हमारा मीडियन नर्व है वो प्रोनेटेड टेरिस मसल जो होती है उसके दोनों हेड्स के बीच से वो निकलती है। तो यदि किसी भी वजह से प्रोनेटेड टेरिस में टाइटनेस आ गई या ओवर एक्टिविटी की वजह से कंप्रेशन आ रहा है तो हमारा मीडियन नर्व कंप्रेस होने लगती है। यदि सेकेंड की बात करें तो बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस होती है, उसकी वजह से, जैसे आप इमेज देख रहे हैं, यदि इसमें टाइटनेस आ जाती है या कंप्रेशन की वजह से मीडियन नर्व भी दबती है। इसके अलावा दोस्तों, जो थर्ड रीज़न देखने को मिलता है वो है हमारा कि फाइब्रस आर्च जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, जहाँ से वो उस ओरिजन होती है, यदि उस वहाँ पे यदि किसी भी वजह से कंप्रेशन आता है तो मीडियन नर्व हमारी कंप्रेस हो जाती है। इसके अलावा कुछ अलग भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ज़्यादातर देखने को यही तीन रीजंस मिलते हैं जो हमारे फोरआर्म में मीडियन नर्व को कंप्रेस करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मैं आपको और बता दूं कि कॉमनली यदि देखा जाए तो हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत कॉमन है कंपेयर टू प्रोनेटेड टेरिस सिंड्रोम। ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। अब बात आती है कि इसके सिम्टम्स क्या है जिससे कि हम आइडेंटिफाई करें कि कार्पल टनल सिंड्रोम है या फिर प्रोनेटेड टेरिस सिंड्रोम है। दोस्तों, यदि प्रोनेटेड टेरिस सिंड्रोम के सिम्टम की बात करें तो वो सेम सिम्टम देखने को मिलता है जो हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम में देखने को मिलता है। जैसे कि हमारी जो तीन फिंगर है और ये फोर्थ फिंगर में हाफ साइड का जो है ना सेंसेशन की फीलिंग होना, टिंगलिंग सेंसेशन फील होना, इस एरिया में आपको बताऊं कि पेन फील होना, या फिर इस एरिया की यदि बहुत सीवियर है तो मसल में वेस्टिंग हो जाना, ये हमारा नॉर्मली सिम्टम मिलता है कार्पल टनल सिंड्रोम में और सेम प्रोनेटेड टेरिस सिंड्रोम में, दोनों में मिलता है। अंतर क्या होता है दोस्तों दोनों के, यदि सिम्टम की मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, ये हमारा ऑलरेडी एक वीडियो बना है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं उसके एक्सरसाइजेज और उसके कारण के विषय में। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे रिस्ट के पास हमारा कंप्रेशन होता है, इसमें हमारा कंप्रेशन फोर आर्म में होता है। ऐसे कंडीशन में फोर आर्म से पाल्मर क्यूटेनियस नर्व एक निकलती है, फोर आर्म के आगे से आके ब्रांच होती है, ये पाल्मर क्यूटेनियस नर्व जो है वो हमारा कार्पल टनल के अंदर से ना जाके बाहर के तरफ से जाती है। तो दोस्तों, यदि कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो उसमें हमारे इस तीन फिंगर और बोले साढ़े तीन फिंगर जो बोलते हैं ना, ये फोर्थ फिंगर में हाफ साइड का जाता है। बट यदि क्यूटेनियस पाल्मर क्यूटेनियस नर्व यदि कंप्रेस होती है, जो कि फोर आर्म के पास कंप्रेस होती है, क्योंकि यहाँ पे तो हो नहीं सकती क्योंकि वो टनल के बाहर से जाती है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो हमारा पाल्मर एरिया है यहाँ पे सेंसरी डिस्टर्बेंस कार्पल टनल में नहीं होता है, जबकि प्रोनेटेड टेरिस सिंड्रोम में होता है। दूसरी चीज, जितने कार्पल टनल सिंड्रोम के टेस्ट होते हैं वो सब यहाँ निगेटिव हो जाते हैं। इवन देन रात में
प्रोनेटर टेरिस सिंड्रोम के पेशेंट में झंझनाहट या दर्द या टिंगलिंग बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है, जबकि कार्पल टनल सिंड्रोम वाले को पता चलता है। प्रोनेटर टेरिस सिंड्रोम के सिम्टम्स में फोर आर्म में भी पेन का एक ये बना रहता है पेशेंट को कि यहाँ फोर आर्म में उनको पेन हो रहा है या यहाँ दबाने पे उनको टेंडरनेस मिलती है। दोस्तों यदि मैं फिजिकल टेस्ट की बात करूँ तो फिजिकल टेस्ट में हम लोग तीन टेस्ट करते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन टेस्ट होता है वो हमारा प्रोनेटर टेरिस मसल की वजह से होता है। तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं कि एल्बो को हल्का सा फ्लेक्स करके और रेजिस्टेंस के साथ पेशेंट को बोलते हैं कि हाथ को बार बार नीचे और ऊपर की तरफ करें। तो जब रिपीटेटिव प्रोनेशन करते हैं ना रेजिस्टेंस के साथ, तो ऐसे कंडीशन में हमारे नर्व पे हमारे मसल्स पे कंप्रेशन आता है। यदि सिम्टम होता है तो वो बढ़ने लगता है और हाथों में नमनेस और इस एरिया में टिंगलिंग और सिम्टम फिर से दिखने लगता है। दूसरे यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो जो हमारा टनल टेस्ट यहाँ पे हम लोग कार्पल टनल में कर रहे थे ये निगेटिव हो जाएगा, और जब हम यहाँ पे इसको टनल टेस्ट करेंगे सिम्टम जो है ना एग्रीवेट होगा। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो जो हमारा फिनल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था कार्पल टनल में वो इसमें निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ओवर एरिया में यहाँ पे हमें टेंडरनेस देखने को मिलेगा और इस एरिया में भी पेन पता चलेगा हमारा प्रोनेटर के एरिया में कंप्रेस करने पे। इसके अलावा दोस्तों यदि हम लोग फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का यदि हम लोग टेस्ट करते हैं कि उसके आर्क की वजह से पेन तो नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एल्बो को बेंड कर लेंगे और ये जो मिडिल फिंगर है मिडिल फिंगर के नीचे ये वाला जो पोर है यहाँ पे आप जो है ना क्रिच पे ऐसे रख के और ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस लगाएंगे और पेशेंट इसको मोड़ेगा। यदि इसकी वजह से सिम्टम इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि हमारा FDS का जो आर्क है उसकी वजह से ये दिक्कत डेवलप हो रही है। कई बार इसको हम लोग FDS का जो टेस्ट है ये मसल्स के लिए भी करते हैं दोस्तों, तो बहुत बारीकी से इसको हम लोग देखते हैं कि किस इसकी वजह से तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा यदि बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस की वजह से है, तो जब रेजिस्टेंस के साथ एल्बो को सुपिनेशन पोजिशन में प्रोनेशन में नहीं सुपिनेशन में करके जब हम फोर्सफुली मोड़ते हैं और देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर करने पे और होल्ड करने पे ये झंझनाहट आ रही है या टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा बाइसिपिटल की वजह से है। प्रोनेशन में दोस्तों एक ये भी प्रोनेटर टेस्ट जो हम लोग कर रहे थे स्टार्टिंग में, उसमें हम लोग जैसे कि रेजिस्टेंस के साथ किए और फ्लेक्शन के बाद सडन एक्सटेंशन करते हैं और देखते हैं कि सिम्टम एग्रीवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार तो पेशेंट को हम लोग बोलते हैं ना कि बार बार ऐसे करिए तब भी सुपिनेशन प्रोनेशन करने में सिम्टम एग्रीवेट होने लगता है, तो इससे हमें पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं डायग्नोसिस की बात करूं, तो डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो हमारा है वो NCV है। यदि सॉफ्ट टिश्यूज देखना है तो ऐसे कंडीशन में हम MRI पे जा सकते हैं। बहुत कम केसेस में हमें एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। यदि कोई ट्रॉमा वगैरह की हिस्ट्री है तो हम बोनी ग्रोथ के लिए एक्सरे से रिलायबिलिटी करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि किन में कॉमनली देखने को मिलता है। तो जो महिलाएं होती हैं 40 साल से एवं, उनमें ज़्यादा देखने को मिला है कंपेयर टू मेल। बट दोस्तों ये उन हर व्यक्ति में होने के चांसेज है जिनका बार बार सुपिनेशन प्रोनेशन का वर्क है। जैसे कि कुछ गेम है, टेनिस खेलना हो गया, और भी कई सारे गेम्स हैं जिसमें हाथ बार बार नीचे और ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि प्रोनेटर टेरिस ही मेजर रीजन है इस फोर आर्म में मीडियन नर्व कंप्रेशन होने के। इसके अलावा पेंटिंग का काम हो गया, चॉपिंग का काम हो गया, ऐसे बहुत सारे काम है जिसकी वजह से ये इंजरी हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करूं दोस्तों, तो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में फिजियोथेरेपी बहुत इफेक्टिव है। फिजियोथेरेपी में हमारे इलेक्ट्रोथेरेपी हो गई हीलिंग के लिए और स्टिफनेस को कम करने के लिए, जैसे कि लेजर हो गया, लॉन्ग वेव थेरेपी हो गई, अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो गई, टेंस मशीन हो गई, IFT हो गई, FMS हो गई, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे अलग अलग प्रॉब्लम के लिए, अलग अलग यूज के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी। और एक्सरसाइज का दोस्तों बहुत ही बेहतरीन यूज है, तो हमारा फिजियोथेरेपी बहुत इफेक्टिव है। यदि ज्यादा सिम्टम आ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आप एक बार न्यूरो फिजिशियन से मिल सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।